हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज। ट्यूटोरियल के अंदर आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर सिस्टम, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी पेपर की। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट तो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं ऑल लिविंग प्लांट फॉर्म्स, ऑल लिविंग प्लांट फॉर्म्स, और कह सकते हैं सभी पादप सुकाए जो हैं, पादप जिनको हम बात कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं एल्गी से। हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी अनावृत बीजी तक, ठीक है। मैं अमित कुमार शर्मा फ्रॉम मेहता पीजी कॉलेज आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एल्गी। इससे पहले हम कुछ और बातों पे चर्चा करें। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी सजीव की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सजीव के आज हम यहां पे बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, जनरल करेक्टर्स। जनरल करेक्टर्स को समझने के लिए चाहे कोई सा भी सजीव हो, जंतु हो या पादप हो, या अगर हम बात करें तो चाहे वायरस और बैक्टीरिया हो, इनको सामान्य लक्षण समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स में इनको विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे इनको समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब है उसकी पहचान, उसके बारे में पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन, जैसा कैसा दिखता है, कौन है, किसने खोजा, कहाँ खोजा, ये सारी की सारी चीजें। सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे वो है उसकी हैबिट एंड हैबिटेट, जिसमें हम बात करते हैं उसके स्वभाव, स्वभाव और वो कहाँ उगता है, कैसे भौगोलिक वातावरण में उगता है, इसलिए उसकी बात कर सकते हैं आवास, स्वभाव और आवास के रूप में। फिर हम बात करेंगे उसके सुखाए संगठन अर्थात थैलस, थैलस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सुखाए। सुकाय संगठन,
क्योंकि बच्चों जो एल्गी है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है, बहुत छोटी है, सूक्ष्मकाय है, कुछ इनमें से बड़ी भी हैं जैसे कि कारा पॉलीसाइफोनिया। तो इनका जो प्लांट स्ट्रक्चर है, पादप काय या प्लांट बॉडी, वो जड़ तना पत्ती में नहीं विभेदित होती है, केवल एक ग्रीन स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, इसलिए उसको बोला जाता है थैलस, सुकाय। सुकाय के अंदर हम सभी कोशिका तथा कोशिकांगों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, फ्लैजिला है, पिगमेंट है, ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन प्रकार हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएगी, थैलस में आ जाएगी, कंप्लीट कोशिकीय संरचना के साथ, उसकी पूरी की पूरी जो विकासात्मक गुणवत्ता है वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर हमारे पास आ जाता है, लास्ट में एक पॉइंट नंबर डाल देते हैं इसी के अंदर या लिख देते हैं यहाँ पे, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जिसमें सारी की सारी चीजें आ सकती हैं, खुद कोशिका, कोशिकांग, पिगमेंट का मतलब वर्णक, रिजर्व फूड, संचित भोजन, संचित भोजन, तीसरा हम यहां पे ले सकते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब कशाभिका, जीवन की अलग अलग प्रावस्थाओं के अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कशाभिका के बाद हम यहां पे ले सकते हैं सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल, सेल वॉल कंपोजिशन अर्थात कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिका भित्ति का संगठन, कोशिकांग, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो पॉइंट आएगा वही सेल के अंदर है, रिप्रोडक्शन। जनन, जनन के प्रकार जो कि एल्गीज में तीन प्रकार के हैं, लैंगिक, वो कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम यहां पे कह सकते हैं लाइफ साइकिल या जीवन चक्र, जिसको हम कहते हैं आप अल्टरनेशन। पीढ़ी,
पीढ़ी एकांतरण, जिसके अंदर जीवन चक्र में दो फॉर्म्स देखने को मिलती हैं और दोनों की दोनों फॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे को एकांतरित करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हम वापस रिपीट करें तो किसी भी सजीव के सामान्य लक्षण को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्सों के हिसाब से चलना चाहिए, तो हमको याद करना और समझना उनके लिए आसान हो जाता है। किसी भी सजीव के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहले होती है उसकी परिचय, पहचान, इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट आता है उसका स्वभाव और उसका आवास। तीसरा आता है उसका संगठन, शरीर किस तरीके का दिखता है, छोटा है, बड़ा है, जिस तरीके का है, यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है। उस शरीर की बात करें तो शरीर चाहे एकल कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, शरीर जो है जिसको हम थैलस कह रहे हैं वो बना तो कोशिका का होगा, इसलिए हम अब एक सिंगल कोशिका के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उस फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास आ रहा है सेल वॉल, उसके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज अर्थात कोशिकांग, फिर उस कोशिकांग के अंदर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के साथ रिजर्व फूड मटेरियल्स, संचित भोजन पदार्थ, कुछ के अंदर फ्लैजिलाज मिल रहे हैं वो, उसके अलावा और कुछ अलग चीज़ मिल रही है संचय भोजन पदार्थ में जैसे कि पायरेनॉइड्स, तो हम उनकी भी बात कर सकते हैं। फाइनली कोशिका जो है वो रिप्रोडक्शन शो करती है, जनन शो करती है, जिससे एक जैसी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है, इसे हम जनन कहते हैं। तो जनन के प्रकारों की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर जनन के अंदर हमें अल्टरनेशन देखने को मिलता है, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण का मतलब जीवन चक्र के अंदर दो प्रकार की जनरेशन्स या अवस्थाओं का पाया जाना जो एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में पाई जाती हैं, इस चीज़ को बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण। यहाँ हम इसकी भी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट होती है जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पेपर बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। इसके अंदर हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज एल्गी। एल्गी को अगर हम पहचानने की कोशिश करें या इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एल्गीज के लिए कह सकते हैं कि एल्गा इज ए टर्म दैट डिस्क्राइब लार्ज एंड इनक्रेडिबल डाइवर्स ग्रुप। इनक्रेडिबल का मतलब हम बात कर सकते हैं अतुल्य, लार्ज का मतलब बहुत ही बड़ा विस्तृत। एल्गीज जो हमें बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है छोटी सी चीज में, किसी पानी के पोखर भी अगर हमारे घर में टंकियां भी हैं हमारे पास में या कोई नालियां हैं या बरसात के दिनों में दीवारों पे देखेंगे जहां पे पानी या सीलन रहता है वहां पे एक लेयर के रूप में एल्गीज पाई जाती हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी में देखें तो बड़े बड़े प्लांट्स के पूरे जंगल हैं और एल्गीज कितना सा है, लेकिन अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत ही बड़ा वेरिएशन है, बहुत ही बड़े स्पीसीज जो हैं इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। इनक्रेडिबल डाइवर्स ग्रुप के रूप में जाया जाता है जो कि यूकेरियोटिक प्रकार है अर्थात सत्य केंद्रीय के प्रकार का है, फोटोसिंथेटिक है अर्थात प्रकाश संश्लेषी है, ऑटोट्रोपिक है स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, लाइफ फॉर्म्स के रूप में पाए जाते हैं। These organisms do not share a common ancestor. Common ancestor, यहाँ पे इसका एक और perfect example अपन ले सकते हैं। These are the pioneer. Pioneer का मतलब कह सकते हैं पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब जिस जगह पर पादप समुदाय या पादप जगत का कोई मेंबर ना पहुंचा हो, ऐसी इकोसिस्टम या ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर एल्गीज ही पहुंचती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पूर्वगामी। हम कह सकते हैं कि धरती पे पादप जगत की उत्पत्ति का सबसे पहला जो प्लांट था या पहला जो सजीव कारक था वो एल्गी ही थी। और एल्गी के अंदर भी अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो करेक्टर हमारा आ रहा है वो है साइनोफाइसी या साइनोफाइटा, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी अब आज हम जानते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के रूप में। इसलिए हम यहाँ पे एंसेस्टर्स की बात कर सकते हैं कि इनका कोई एंसेस्टर नहीं था, ये स्वयं अपने आप को प्रकट करके धरती पे पहली बार आए हैं, इसलिए हम इनको बोल सकते हैं पायोनियर्स। हैंस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, इसी वजह से इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, इसलिए ये पायलो पॉलीफाइलेटिक
अर्थात स्वयं सारे के सारे एक दूसरे से लक्षण प्रारूप में और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंस या डाइवर्जेंस शो करते हैं। इसलिए हम इस परिभाषा को बिल्कुल सकारात्मक तरीके से यहां पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, एल्गी के बारे में अगर अपन देखें तो यहां पे हमारा पहला पॉइंट जो चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन। परिचय या पहचान, परिचय या पहचान। फर्स्ट लाइन, एल्गी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक वर्ड से आया है जिसका नाम है एल्गा। एल्गा की अगर अपन बात करें तो वहां लैटिन भाषा में एल्गा का मतलब होता है सीवीड, सीवीड का मतलब है समुद्री, समुद्री घास, समुद्री घास, या एक नाम और दे सकते हैं खरपतवार। समुद्री घास या समुद्री खरपतवार के नाम से हम इसे जानते हैं क्योंकि शुरुआत में इन्हें समुद्रों के कोस्टल रीजन्स या किनारों पर ही आइडेंटिफाई किया गया था। ये दुनिया के सभी महासागर, यहाँ तक कि अटलांटिक ओशियंस और जो ध्रुवीय समुद्र हैं उनके अंदर भी इनकी प्रजातियाँ जो हैं ठंडे पानी में या बर्फ़ के पानी में पाई जाती हैं। यूनानी भाषा में इन्हें कहा जाता है फाइकोज, फाइकोज, और वहाँ पे भी इसका अर्थ होता है सीवीड्स, मतलब समुद्री घास। अतः समुद्री घास के रूप में अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास दो नाम आते हैं, एल्गा और फाइको। इसी के बेस के ऊपर स्टडी ऑफ एल्गी अर्थात एल्गी का अध्ययन जो है वो कहलाता है एल्गोलॉजी, और यूनानी भाषा में इसी को हम कह सकते हैं फाइकोलॉजी। वहीं अगर अपन से रिलेटेड रिजेम्बल बॉटनिस्ट की बात करें, मतलब वनस्पति शास्त्रियों की बात करें, तो उन्हें हम कह सकते हैं एल्गोलॉजिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और यहीं पे अगर हम एक और बात करें तो एल्गीज का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे भारतीय संस्कृति के आयुर्वेद के अंदर भी बहुत समय पहले से इस एल्गी शब्द को यूज में लिया जा रहा है, जो कि हमारे आयुर्वेद के अंदर था शैवाक, और इसी शैवाक वर्ड से जो है हमारे हिंदी में शब्द बना है शैवाल। तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं शैवाल। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये हमें आना चाहिए। देज आर एमओपी लिंगर, एमओपी लिंगर हमारे भारतीय वनस्पति या एल्गोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलें तो हमने यहां पे बात करी थी शुरुआत में, जिसमें हम कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तुम्हारा पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, किस रूप में? पहला पॉइंट हमने कर दिया है इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसमें हमने डेफिनेशन को किया और क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन को किया। अब हमारा जो पहला पॉइंट चलेगा वो आ रहा है हैबिट का, हैबिट, और फिर इसके बाद जो हम पॉइंट लेंगे वो हम लेंगे इसके हैबिटेट्स के बारे में। कुछ लाइनें हमारे यहाँ पे मिसप्लेस हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ लाइनों को ऐड कर लेते हैं हैबिट्स वाली। हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, तो पहले हैबिट्स के अंदर चलते हैं। हैबिट में हम क्या यूज में लेंगे? हैबिट के लिए हमारी जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें, हैबिट का मतलब हो गया स्वभाव, स्वभाव। स्वभाव में अगर हम कुछ चीजें ऐड करें तो स्वभाव में हम यहां पे कह सकते हैं, फर्स्ट इज दे आर पायोनियर्स,
ऑफ प्लांट ऑन लैंड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, धरती पे हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर या हमारे भौगोलिक वितरण या वातावरण के अंदर पादप जगत की उत्पत्ति या सबसे प्रथम पादप की बात करें तो वो एल्गीज हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं पूर्वगामी। पूर्वगामी दूसरा हम कह सकते हैं स्वभाव के लिए कॉस्मो पॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, अर्थात यहां एक वर्ड और अगर अपन यूज में ले तो यूनिवर्सल कर सकते हैं। यूनिवर्सल अर्थात सर्वत्र, अर्थात जीवन जहां संभव है, जहां पे नमी, ऑक्सीजन, प्रकाश सारी चीजें हैं, धरती की उस जगह पे जहां पे इंसान नहीं पहुंचा है वहां पर एल्गीज पहले से प्रेजेंट हैं। ये धरती की सतह पर, पानी में, यहां तक कि हवा के अंदर भी इनके स्पोर जो हैं पाए जाते हैं, इसलिए हम एक वर्ड यहाँ पे यूज में लेते हैं कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात कह सकते हैं कि प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे जहाँ जीवन संभव है एल्गीज पाई जाती हैं, सर्वत्र हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। एक चीज और स्वभाव में अगर अपन लें तो हम कह सकते हैं दे आर ग्रीन, ग्रीन जरूरी नहीं है, क्योंकि रेड, ब्राउन, येलो ये कलर भी हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए ग्रीन हटा देता हूं, यहां पर हम कर देते हैं दे आर सिंपल, सिंपल कॉमा यूनि, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, एकल कोशिकीय से बहुकोशिकीय, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रो, माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो की अगर अपन बात करें तो मैक्रो का मतलब हो गया वृहद, माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, और इसका मतलब हो गया वृहद, वृहद का मतलब जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो एल्गीज सरल एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, सूक्ष्म अथवा वृहद, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वयं पोषी, अर्थात ये स्वयं का भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप प्रकाश की प्रेजेंस में या फोटॉन्स को एब्जॉर्व करते हुए CO2 और वाटर के कंजप्शन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अर्थात जिसके संघनन से बनता है स्टार्च, स्टार्च को बना सकते हैं जो इनका मुख्य भोज्य पदार्थ होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वयंपोषी, ये है इनका स्वभाव सिंपल। इसके बाद हम बात करें
इसके बाद हम यहां पे एक और बात करें, वो हमारा आ रहा है हैबिटेट। हैबिटेट का हो गया आवास, आवास आवास के लिए अगर अपन कहें तो मेनली दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक मोस्टली, मोस्टली लिख देते हैं, मोस्टली अधिकांशतः है जलीय, अधिकांशतः है जलीय होते हैं। संपूर्ण एल्गीज का 90-92% जो एल्गीज है वो कैसे हैं, जलीय हैं। और जलीय में भी अगर अपन बात करें तो जल में भी हमारे पास में दो या तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, एक है फ्रेश वाटर और एक है मैराइन। फ्रेश वाटर को आप कह सकते हो स्वच्छ, स्वच्छ जलीय, और एक हो सकता है समुद्रीय, समुद्र जलीय। ठीक है, फ्रेश वाटर की बात करें तो लगभग 70% से ज़्यादा जो है वो फ्रेश वाटर एल्गीज होती हैं, और लगभग 25-30% जो है वो हमारी एल्गीज जो है, या 25 से भी कम परसेंट की जो एल्गीज हैं वो हमारी समुद्री आवासों में विचरण करती है। और इसके अलावा कुछ परसेंटेज स्थलीय हैं टेरिस्ट्रियल, और कुछ जो है वो आती है यूजुअल, इसलिए हम कह देते हैं फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब कह सकते हैं स्थलीय, जो स्थानों पर या नम भूमि, नम चट्टानों, नम तनों आदि के ऊपर क्या करती हैं, वास करती हैं। तो ये लगभग है 5-7% की बात कर लेते हैं, इसको कम कर देते हैं 20% तक। ठीक है, एंड इसी में अगर अपन बात करें तो फ्यू आर अडेप्टेड, या हाँ अडेप्टेड, अडेप्टेड इन अनयूजुअल, अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल का मतलब है असामान्य, जहां कोई नॉर्मल या सामान्य जो सजीव है वो ऐसे भौगोलिक वितरण में ग्रो नहीं कर सकता, जैसे बर्फ के अंदर, गर्म पानी के झरनों के अंदर, पादपों की पत्तियों और तनों के ऊपर, किसी जीव सजीव के ऊपर, या किसी के साथ सहजीवन के रूप में। ऐसे कुछ करैक्टर जो हैं वो हमें एल्गी के देखने को मिलते हैं, ये इसके लिए भी अडेप्टेड होती हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा आवास, जिसमें कॉस्मोपॉलिटेंट भी हैं और एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटेट्स को भी शो करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है हमारे पास में हैबिट हो गया, हैबिटेट हो गया। अब हम लेके चलते हैं थैलस। हमारा जो तीसरा पॉइंट बन रहा था वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम कह सकते हैं सुकाय संगठन।
सुकाय संगठन। हम यहाँ पे पहली चीज जो है वो ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, ये एल्गीज जो हैं इनकी प्लांट बॉडी जो है थैलॉइड कहलाती है, इसलिए हम इन्हें थैलोफाइटा, एक पेज ऐड कर इंटू रूट स्टेम एंड लीफ, जड़ तनापत्ति में अविभेदित। होता है जड़ तनापत्ति में अविभेदित होता, अर्थात इसके प्लांट बॉडी के अंदर जड़ तनापत्ति तीनों चीजें नहीं पाई जाती। अब हम इस स्लाइड को यूज में ले सकते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी लाइन है फर्स्ट एज दे हैव आइदर मल्टी सेलुलर एंड मल्टी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस एकल कोशिकीय से बहु कोशिकीय संगठन तक हो सकता है। अगर अपन एकल कोशिकीय संगठन की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं लाइक यूनिसेल्युलर एल्गा, यूनिसेल्युलर एल्गीज की अगर अपन बात करें तो हमें कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे यूनिसेल्युलर के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आसानी से बेस्ट एग्जांपल इज क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पे मिल नहीं रहा। दीज आर, यहाँ अगर अपन देखें तो युगलीना है, पैरामाइसियम दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास, दीज आर क्लेमाइडोमोनास एल्गीज। ये बिल्कुल अकेली हैं, फ्लैजिलाज इनके अंदर पाए जाते हैं, छोटे नाशपति या अंडाकार संरचना के रूप में पाई जाती हैं, दो इक्वल फ्लैजिलाज है, ग्रीन कलर की होती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत हैं, जैसे हमने बात करा युगलीना, जड़ तनापत्ति में विभेदित नहीं होती, अतः इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम
वैस्कुलर सिस्टम का मतलब हो गया यहां पे संवहन, संवहन ऊतक या कंडक्टिव टिश्यूज, संवहन तंत्र जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। और यांत्रिक टिश्यूज का, वो मैकेनिकल टिश्यूज का मतलब हो गया यांत्रिक, मैकेनिकल टिश्यूज का मतलब हो गया यांत्रिक जो ऊतक हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। अब हम यांत्रिक ऊतक किसे कहें? यांत्रिक ऊतक कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ कोण ऊतक को, या फिर फाइबर्स को जिनको हम बोलते हैं रेशे। ये सारी कोशिकाएं जो है पैरेन्काइमा अर्थात मृदूतकीय कोशिकाओं की बनी हुई है। वहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें ऊतक सिस्टम ही नहीं पाया जाता, इसलिए हम इन्हें पैरेन्काइमा भी नहीं बोल सकते। एक सिंपल कोशिकाओं का एक संगठन है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिविजन, फिजियोलॉजिकल का मतलब है यहाँ पे कार्य की जो इनका विभाजन है, किसका? श्रम का। कार्य की श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, इसका अर्थात ये है कि अगर मल्टी सेल्युलर के अंदर 500 या 500 से ज़्यादा कोशिकाएं हैं तो वो एक साथ हैं जरूर, संगठित हैं, परंतु हर फिजियोलॉजी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड मेटाबॉलिज्म के लिए सभी कोशिकाएं इंडिपेंडेंट होती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका की मदद या उसका काम नहीं करती हैं, ये सभी सेल्स जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी सेल्युलर थैलस आर इंडिपेंडेंट, मल्टी सेल्युलर थैलस आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट सेल वॉल, सेल वॉल सबसे बड़ी चीज, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, जो केवल और केवल कैरेक्टर ऑफ प्लांट, पादपों का सबसे बड़ा लक्षण है। पादप का लक्षण जो जंतुओं से इन्हें क्या करता है, पृथक करता है, वो पहला कैरेक्टर तो हो गया ऑटोट्रॉपिक वाला, स्वयंपोषी वाला, और दूसरा कैरेक्टर हो गया सेल वॉल की कंपोजिशन। सेल वॉल जो है वो पादपों में एल्गी से लेके उच्च पादपों के अंदर किसके बने हुए हैं? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टार्च, स्टार्च चेन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इन फ्यू एल्गीज, कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि साइनोफाइटा, पहले भी अपन ने जिक्र किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, नील हरित शैवालों के रूप में। साइनोफाइटा के जो सदस्य हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पादपों की सेल वॉल या सेल्यूलोज से मेल न खाकर हमेशा किससे मेल खाती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल से मेल खाती है। इनको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड लेयर्स। तो म्यूकोपेप्टाइड के रूप में ये देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और आप यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं युगलीना। युगलीना की अगर अपन बात करें तो युगलीना जो है वो पादप और जंतुओं के दोनों के कैरेक्टर्स को मिलाती है, इसलिए युगलीना में हम कह सकते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट। इनकी सबसे बाह्य प्रोटेक्टिंग लेयर जो है, रक्षात्मक आवरण, वो एक प्लाज्मा झिल्ली के रूप में होती है, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कोशिका के बाद, कोशिका भित्ति के बाद हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कोशिका झिल्ली की, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादातर सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, एनिमल एंड प्लांट्स सभी के अंदर सेम होती है एज रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। इसलिए हम उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई डिफरेंस या कवरेज के अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम चाह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है जो जीव द्रव्य को आबद्ध रखती है। साइटोप्लाज्म एनक्लोज बाय ए डबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन रॉबर्टसन यूनिट कंसेप्ट या रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में होती है, जो कि चयनात्मक पारगम में होती है और मटेरियल्स या मेटाबोलाइट्स के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करती है। साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो उसमें एक सुस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हमने पहले ही कह दिया है कि दीज ऑल सेल्स आर यूकैरियोटिक टाइप। न्यूक्लियस के बाद हम चलते हैं पिगमेंट्स की तरफ, सबसे मेन चीज। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, स्वयंपोषी। और ये जो स्वयंपोषी कैरेक्टर हमको मिल रहा है उनका बहुत बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो ये पिगमेंट्स करते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं वर्णक।
वर्णक, ये वर्णक जो है अंदर मेटाबोलाइट्स और एक्चुअली में बोले तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन से ही बने होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के संगठन से होते हैं जो कि एल्गीज में बहुत वेरिएशंस भिन्नताएं दर्शाते हैं, बायोडाइवर्सिटी इनकी पूरी की पूरी, जिसमें हमारे पास एक बड़ी रेंज आ जाती है किसकी, क्लोरोफिल्स की। क्लोरोफिल्स की रेंज हमारे पास आ जाती है क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई तक, 5-6 रेंज जो है वो हमको क्लोरोफिल्स की यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अधिकांशतः ए और बी जो है वो सभी एल्गी जो सदस्य हैं उनके अंदर पाई जाती है। बी जो है कुछ जेंथोफाइसी को छोड़कर बाकी सभी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स की अगर अपन बात करें तो कैरोटीनॉइड्स यहां पे हमको दो प्रकार के मिल जाते हैं, कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल्स। कैरोटीन जो है वो लगभग 6 से 7 प्रकार के कैरोटीन्स जो हैं वो एल्गीज के अंदर पाए जाते हैं। कैरोटीन जो है वो अधिकांशतः मुख्य प्रकाशसंश्लेषी वर्णक नहीं होता, ये एक सहायक या एसेसरी प्रकाशसंश्लेषी वर्णक होता है सहायक के रूप में, और ये ज़्यादातर जो है वो कलर देते हैं नारंगी लाल रंग। क्लोरोफिल्स में अगर अपन बात करें तो ये ज़्यादातर ग्रीन कलर देते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लूइश ग्रीन कलर देता है, नीला हरा टाइप, और बी जो है वो ऑलिव ग्रीन, हल्का सा ऑलिव जैतूनी हरा टाइप का रंग प्रदान करता है। जेंथोफिल्स जो हैं वो नारंगी और थोड़ा सा पीलापन लिए हुए नारंगी कलर जो है उसको शो करते हैं, इसलिए हम इनको कई बार पीले पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं, और कैरोटीन जो है उनको लाल पिगमेंट्स के रूप में जानते हैं। एक तीसरे प्रकार का वर्णक और यहाँ पे पाया जाता है, दीज आर नोन एज ब्ली प्रोटीन्स। ब्ली प्रोटीन्स यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, फाइकोब्लिन्स एंड फाइकोइरिथ्रिन्स। फाइकोब्लिन्स दो प्रकार के हैं, फाइकोब्लिन्स दो प्रकार के, फाइकोसायानिन एंड फाइको एरिथ्रीन। फाइकोसायानिन एंड फाइको एरिथ्रीन ये दोनों के दोनों, ये फॉर ब्लू कलर एंड एरिथ्रीन जो है फॉर रेड कलर जिम्मेदार है, और एल्गीज के दो मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे अपने पास में क्लासेज ऐसी हैं जिनके अंदर ये दोनों के दोनों मिलते हैं, रोडोफाइसी अर्थात लाल शैवालों में और साइनोफाइसी अर्थात ब्लू ग्रीन शैवाल, नील हरित शैवालों के अंदर ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है पिगमेंट के बाद में वो है रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोज्य पदार्थ। मुख्य रूप से संचित भोज्य पदार्थ पॉलीसेकेराइड और स्टार्च के रूप में पाया जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न क्लासेस की जो एल्गीज हैं उनमें यही स्टार्च जो है अलग अलग फॉर्म्स के रूप में, जैसे कि पारमालियम स्टार्च हो गया, क्या बोलते हैं ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, या अमाइलम स्टार्च टाइप के कुछ क्या बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में हमको पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है मुख्य रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है एल्गीज में सरल से जटिल प्रकार का है, ठीक है। दूसरी चीज, एल्गीज के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल नहीं है, सिंपल प्रकार के नॉन जैकेटेड प्रकार के होते हैं, और इनमें डाइवर्स जो है वो रिप्रोडक्शन में तीनों मेथड्स पाए जाते हैं, काइक, अलैंगिक और लैंगिक, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो एल्गीज के रिप्रोडक्शन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि उच्च वर्गीय पादपों में भी नहीं पाया जाता, इतना ज़्यादा इनमें पाया जाता है। पहला अगर अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि पादप या सुकाए के किसी भी कायिक भाग
की अतिवृद्धि, और अगर वो अतिवृद्धि उस मुख्य पादप से स्वतंत्र होकर अपना एक स्वतंत्र जीवन जी सकती है तो उससे जो उत्पत्ति होती है उसको हम जनन कह सकते हैं, और इस उत्पत्ति को हम वेजिटेटिव या कायिक जनन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एल्गीज के अंदर अनेक प्रकार से है, जैसे कि बाय ट्यूबर्स, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बाइनरी फ्यूजन, बाय सेल डिविजन, ठीक है, बाई एपिकल परसिस्टेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है, रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा होने वाला जनन जो है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। ये कायिक जनन के समान ही होता है, इसके अंदर गैमिट्स का निर्माण और गैमिट्स के फ्यूजन से जायगोट जो है उनका निर्माण नहीं पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स यहाँ पे एंडो स्पोर्ट्स, एग्जो स्पोर्ट्स, एप्लेनो स्पोर्ट्स, जायगो स्पोर्ट्स, अर्थात चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, डॉटर कॉलोनी, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स अलग अलग प्रजातियों के अंदर देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफ्रेंशिएट इन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, तीन प्रकार से पाया जाता है। यहां पर अगर अपन बात करें तो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, तीन प्रकार से पाया जाता है, जिसमें ये सबसे एडवांस टाइप है। ये दोनों के दोनों हैं तो एडवांस, लेकिन ऊगैमस से बिल्कुल सिंपल हैं। ज़्यादातर एल्गीज आइसोगैमस और एन आइसोगैमस चीज़ को अपनाती हैं, ऊगैमस प्रगत वंश जो हैं एल्गीज के उनके द्वारा अपनाया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, और अगर मल्टीसेल्युलर हैं भी तो उनके अंदर जो फर्टिलिटी रेट है उसके अलावा वो नॉन जैकेटेड होते हैं, अर्थात उनमें रक्षात्मक आवरण नहीं होता है। अगर आप आवरत बीजियों की बात करें तो हमें जो है वो पुष्प और ओवरी वॉल के रूप में जो है हमें आवरण मिलता है, यहाँ पर ऐसा कोई आवरण नहीं पाया जाता। जस्ट इसके बाद में जो आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के मेम्बर जो हैं उसके जननांग बहुकोशिकीय और आवरण युक्त पाए जाते हैं। एल्गीज में जो ऊगैमस फर्टिलाइजेशन हो रहा है या आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके फलस्वरूप जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, संलयन करते हैं, तो जायगोट बनाते हैं, द्विगुणित जायगोट बनाते हैं 2N, बट ये जो द्विगुणित जायगोट है ये जायगोट तो बनता है लेकिन ये जायगोट एम्ब्रियो को नहीं बनाता है। एल्गीज में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, ये लक्षण ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट के बाद वाले वर्गों के अंदर जो है अपनाया जाता है। नेक्स्ट गैमिट्स जो हैं, इसके बाद हम बात कर सकते हैं, हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है अल्टरेशन। ऑफ जेनरेशन पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, यहां पे हम बात कर सकते हैं गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट का मतलब होता है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद अवस्था जो कि हमेशा हैप्लॉइड होती है, गैमिट्स अर्थात युग्मकों के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। और स्पोरोफाइट का मतलब होता है बीजाणुद्भिद, यहां पे बीजाणु का मतलब है 2N द्विगुणित, और भिद का मतलब होता है प्लांट थैलस, और यहाँ पे भी हो गया युग्मक का मतलब युग्मक और भिद का मतलब है प्लांट थैलस, अर्थात वो संरचना जो जीवन पर्यंत हैप्लॉइड अर्थात जिसमें गुणसूत्रों का एक ही जोड़ा पाया जाता है उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड, और जिसमें दो जोड़े पाए जाते हैं जैसे कि हम खुद, दीज आर डिप्लॉइड्स। When present in life cycle are independent, दोनों अवस्थाएं सभी में नहीं पाई जाती हैं, बहुत कम प्रजाति है जिसमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, और अगर हैं तो दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से क्या रहती हैं, स्वतंत्र रहती हैं, कभी भी एक दूसरे को निर्भर नहीं करती हैं। जबकि ब्रायोफाइट में अगर अपन बात करें तो गैमिटोफाइट पर जो है स्पोरोफाइट अवस्था सदैव डिपेंडेंट रहती है, निर्भर रहती है। प्लांट हैविंग डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब है दूरस्थ,
अर्थात अपन सीधे सीधे कह सकते हैं कि स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता या अभाव होता है, नहीं पाया जाता है पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। हमने कहा ना बहुत कम एल्गी जैसी हैं जिनके अंदर एल्ट्रेशन पाया जाएगा, जैसे कि प्रगत वंश है, रोडोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, एक अपवाद मान ले कारा क्लोरोफाइसी में, बाकी सभी के अंदर यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जा रहा। कारा में भी नहीं पाया जा रहा, वो भी एक तरीके से हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। गैमिटोफाइट अर्थात युग्मकोद्भिद जनरेशन जो है वो हैप्लॉयड होती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का एक ही समुच्चय पाया जाता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी, तथा लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव का मतलब होता है दीर्घ कालीन, लंबे समय तक चलती है, छोटा समय नहीं है, प्रभावी और दीर्घकालीन होती है। वहीं पे स्पोरोफाइट अर्थात जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो द्विगुणित होती है, और रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब अप्रभावी, अप्रभावी होती है। शॉर्ट लिव का मतलब होता है अल्पकालिक, अल्पकालिक होती है। इस तरीके से ये हमारे जो करैक्टर्स हैं ये कंप्लीट व्याख्या करते हैं एल्गीज के पूरे जीवन चक्र और पूरे के पूरे क्या बोलते हैं जर्नल इंट्रोडक्शन के साथ करैक्टर्स को, जिसके अंदर उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल स्पैन होती है। यहाँ पर हमारी स्लाइड्स में हम वापस एक बार रिपीट करें तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने समझा कि किसी भी सजीव के करैक्टर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी सजीव के करैक्टर को हम समझ सकते हैं बाय उसके इंट्रोडक्शन, देन उसके स्वभाव और आवास, उसके बाद उसके सुकाय संगठन, उस सुकाय संगठन में कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना में अलग अलग उसके प्रकार, कोशिका का सेल वॉल का कंपोजिशन, उसके पिगमेंट्स, उसके न्यूक्लियस की पोजीशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल हो सकता है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है कि नहीं है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद वाली स्लाइड में हम यूज में ले सकते हैं रिप्रोडक्शन के बाद में लाइफ साइकिल। इस प्रकार हम यहाँ पर एल्गी का कंप्लीट जो स्पैन है जिसमें हम पूरे लक्षणों को समझ पाए हैं। उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।